नमस्कार दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं विकास सर के दृष्टि के हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के नोट्स वैकल्पिक विषय के हिंदी साहित्य के तेरह नोट्स हैं और चार क्लास नोट्स हैं टोटल सत्रह नोट्स होते हैं तो उन तेरह में से मैं ये कराने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र दो खंड गद्य साहित्य भाग नंबर एक उपन्यास और कहानियाँ प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों के नोट्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ अब हम करने जा रहे हैं एक दुनिया समांतर के नोट्स एक दुनिया समानांतर छिचय एक, एक, एक दुनिया समानांतर कई कहानियों का प्रतिनिधि संकलन है जिसका संपादन उसी दौर के प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र यादव ने किया है इस कहानी के अधिकांश मध्यम वर्ग के भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है अधिकांश कहानियां जबकि कुछ कहानियां ग्रामीण जीवन और वंचित वर्गों के जीवन संघर्षों को छूती है सबसे पहले हम इस संकलन की प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे छह दशमलव दो खोई हुई दिशाएं जो कि कमलेश्वर द्वारा कहानी हुई दिशा कमलेश्वर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में में एक एक है, जिसे दुनिया संकलित किया गया है यह इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है वस्तुतः इसकी संवेदना और शिल्प नई कहानी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है कथासार यह कहानी चंद्र नाम के एक व्यक्ति की है जो कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद के दिल्ली इलाहाबाद से दिल्ली आकर बस गया और बड़े शहर में व्याप्त अकेलेपन और संबंधहीनता की वजह से परेशान है कहानी में घटनाएं नहीं है केवल एक शाम से रात तक की स्थितियों का वर्णन है सुरमात में वह कनाट प्लेस में खड़ा है जहां से हजारों लोग गुजरते हैं पर उसे कोई पहचानता नहीं है तभी आनंद राम नामक उसका एक परिचित आता है जिसकी सारे बातें नकली और सतही है आनंद संबंधों का लाभ उठाने में यकीन रखता किंतु आत्मीय संबंध बनाना उसके लिए संभव नहीं है चंद्र को याद आता है कि उसने बहुत लंबे समय से खुद से भी बात नहीं की है, है, यह सोचकर उसका और बढ़ जाता है। वह है जाता वह जहां एक व्यक्ति की नजरे में उसे पहचान का आश्वासन मिलता किंतु एक ही संवाद में स्पष्ट हो जाता है कि यह गलत फहमी है पहचान की भूख उसे अपनी पुरानी प्रेमिका इंदिरा के घर जाने के लिए व्यघ्र करती है वह जिस बस में जाता है उसका परिचालक उसे पहचानने का भाव दिखाता है जिससे चंद्र को गहरा संकून मिलता है सुकून मिलता है किंतु अगले ही सन टिकट के मूल्य को लेकर वह परिचालक इस तरह व्यवहार करता है जैसे चंद्र पहली बार उसकी बस में आया हो वह इंदिरा के पास पहुंचता है जहां वह तीन महीने पहले भी आया था तीन महीने पहले इंदिरा को अच्छी तरह याद था कि चंद्र को दूध से चिड़े कॉफी उसे धुए पीने की तरह लगता है चाय में एक चम्मच चीनी ही लेता है क्योंकि दूसरे चम्मच से उसका गला खराब हो जाता है आज उसे इंदिरा के व्यवहार में भी मेहमान नवाजी की बू आई जैसे ही इंदिरा ने पूछा चीनी कितनी दूं? तभी एक झटके में सब कुछ बिगड़ गया अंत में वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी निर्मला के प्रेम में राहत महसूस करता है उसे लगता है कि कम से कम वह तो उसे पहचानती है किंतु अकेलापन का भय इतना गहरा है कि रात को सोते हुए अचानक निर्मला को जोर कर उठा देता है और पूछता है मुझे पहचानती हो निर्मला निर्मला आश्चर्य बरेस्वर में पूछती क्या हुआ इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है संवेदना पक्ष खोई हुई दिशाएं नवलेखल के दौर से गुजरती है जब साहित्य केंद्र में शहरी मध्यम वर्ग आने लगता है इस समय अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद जैसी विचारधारा व्यक्ति की नीति तथा उसके मनोजगत के विश्लेषण पर बल दे रही थी इसी समय बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति भीड़ में अकेला होता जा, जा रहा था उसके भावनात्मक संबंध खत्म होकर उपयोगिता समीकरणों में तब्दील हो रहे थे और व्यक्ति संबंधहीन अकेला तथा अपने आप से अजनबी होता जा रहा था उसकी जड़ें जिस ग्रामीण या कस्बाई परिवेश में थी वह पहचान और संबंध का संकट नहीं था वह पहचान और संबंध का संकट नहीं था किंतु रोजगार तथा अवसरों की तलाश में उसे बड़े शहर में आकर ऐसा असहज संबंधहीन निरर्थक जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा यह कहानी दिल्ली जैसे बड़े शहर के इसी पक्ष को प्रस्तुत करती है इस कहानी की मूल समस्या पहचान का संकट है समाज शास्त्रियों ने बड़े शहरों के व्यक्ति को जिस अर्थ में भीड़ में अकेला कहा है वही भाव इस कहानी में मुखर हुआ चंद्र सोचता है आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं पर उसे कोई नहीं पहचानता और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहाँ से तीन साल पहले वह चला आया था गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नजरों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी और यह राजधानी कुछ भी अपना नहीं है अपने देश का नहीं है बड़े शहरों में अकेलापन कितना ज्यादा है इसकी तरफ वहां दिखती है जहां चंद्र अंततः महसूस करता है कि उसे और कुछ भी नहीं चाहिए परिचय की एक मांग है ऐसा नहीं कि बड़े शहरों के लोग साथ साथ होते समस्या यह है कि वे एक साथ साथ होकर भी संवाद या संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं होते इसका उदाहरण इस वाक्य में दिखता है सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी पर कोई किसी से कुछ नहीं पूछता कभी कभी चंदर चाहता है कि वह कुछ देर अकेला बैठकर तनहाई तन में ही डूबने का प्रयास करे किंतु पीड़ा की बात है कि तनहाई में भी अकेलापन नहीं है क्योंकि हर मिनट बाद पुलिस का, का, का उधर से घूमता हुआ निकल जाता है बड़े शहर का मध्यम वर्गीय व्यक्ति न सिर्फ दूसरों की पहचान से वंचित है बल्कि वह स्वयं भी खुद को नहीं पहचानता अस्तित्ववादी शब्दावली में कहें तो आत्म निर्वासन अजनबीपन सेल्फ एलिनेशन एलियनेशन ये एक वर्ड है जो एलियन से बना चूंकि एलियन दूसरे ग्रह के होते हैं और वे इस ग्रह पर अगर आए जाए तो उनको अजीब सा लगेगा और अकेलापन महसूस करेंगे तो उसी को सर ने विकास सर ने बताया था इसको अजनबीपन उसके भीतर घर कर गया कमलेश्वर ने इस कहानी में इस दर्द को भी उभारा है वे लिखते हैं तभी चंद्र को लगा कि एक हो गया है, एक जमाना गुजर गया है, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है रह रह कर कतराता है अकेलापन जिस मानसिक तनाव को जन्म देता है वह एक व्यक्ति बिना शारीरिक थकान के निचोड़ देता वह हर समय उब थकान टूटन और अवसाद जैसी मनस्थिति में रहता चंद्र कहानी की शुरुआत में ही बेहद थका हुआ था और कमलेश्वर ने दिखाया है कि यह शरीर का नहीं मन की थकान है थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे कहीं दूर आया गया भी तो नहीं फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई है दिल और दिमाग इतना थका हुआ है लगता है वह थकान धीरे धीरे उतर कर तन में फैलती जा रही है कहानी में इस बात का दर्द साफ लगता है कि शहर में भावनाओं और संवेदनाओं की कमी यह लाइन आप जरूर यूज कर सकते शहर में भावनाओं और संवेदनाओं की कमी हर व्यक्ति अधिक अधिक उपलब्धिया चाहता है और इस प्रक्रिया में अपनी भावनाओं से कट करने के लिए व्यक्ति हो जाता है चंद्र महसूस करता है कि शहर की माताएं भी मातृत्व तो की सहज भावनाओं से वंचित है वह सोचता है बच्चों की शक्लें और शरारते तो भूत पहचानी सी लगती हैं पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी है क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से बड़ा प्यार नहीं है उसके शरीर शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और द्रप भी नहीं ये वर्ड आप यूज कर सकते हो मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बे भे, बहुत बेईमानी पीटी हुई ललकार है जिसे नहीं तो न तो नकारा जा सकता है न ही स्वीकार किया जा सकता है शिल्प पक्ष नई कहानी अपनी संवेदना को लेकर जितनी चर्चा में रही उतनी ही शिल्प को लेकर भी रही खोई हुई दिशाएं नई कहानी के शैल्पिक ढांचे का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती इसके शिल्प की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कथानक का टूटना कथानक सर जो है कथानक बताते हैं भाई कथानक सर ने बताया था जो एक फलो होता है कहानी का उसको कथानक कहा इसमें न तो ज्यादा चरित्र है और न ही घटनाओं की श्रृंखला एक शाम से लेकर रात तक की स्थितियों का वर्णन मात्र है जिसमें कुल पांच या छह घंटे का जीवन ही दिखाया गया न कोई आरोप है नहीं न कोई आरंभ है न कोई मध्य है न अवसान है कहानी न किसी उद्देश्य को लेकर चल रही है न ही अंत में कहा पहुंची है सिर्फ कुछ स्थितियों का वर्णन है और उनके संदर्भ में लेखक की टिप्पणियां कहा जा सकता है कि यह पारंपरिक कहानी का कथानक पूर्णतः बिखर जाता है इस कहानी की चरित्र योजना इस कहानी की चरित्र योजना भी नहीं ये भी है पर इस कहानी की चरित्र योजना भी नई कहानी का प्रतिनिधित्व करती है चूंकि है दौर अस्तित्ववाद और उससे प्रभावित लघु मनो मानववाद का दौर था अतः स्वाभाविक है कि नई कहानियों के चरित्र स्थितियों को बदलने की ताकत नहीं रखते बल्कि स्थितियों के हाथों की कठपुतलिया बनकर जीते हैं। इस कहानी में भी मूल समस्या कोई खलनायक नहीं बल्कि स्थितियां ही हैं। शहर की स्थितियां ही ऐसी हैं कि हर व्यक्ति संबंधहीनता व पहचान के संकट से जूझता है किंतु अंततः लड़ाई में हर जाने हार जाने को बाध्य है न चंद्र इन स्थितियों को बदल सकता है न कोई और इंदिरा जो तीन महीने पहले तक इन परिस्थितियों के सामने नहीं झुकी थी वह भी अब बड़े शहर की जीवन शैली में डलकर चंदर को भूल गई यह है यह चरित्र एकदम सहज स्वाभाविक चरित्र है जिन्हें लेखक ने नहीं शहर ने गढ़ा है भाषा शैली भाषा शैली के स्तर पर यह कहानी कविता जैसा प्रभाव धारण करती है जहां तक शब्दावली का प्रश्न है इसमें किसी भाषा के प्रति वर्जना नजर नहीं आती कहीं कहीं अंग्रेजी के अत्याधिक शब्द और वाक्य हैं जैसे आनंद की भाषा में प्लीज इफ यू कुछ पैसे तो ये अंग्रेजी के वर्ड यूज हुए हैं आप बता सकते हो जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे कि इसकी भाषा शैली में अंग्रेजी के प्रश्न अंग्रेजी के शब्द यूज किए गए तो कहीं कहीं शुद्ध पंजाबी वाक्य भी दिख जाते हैं जैसे सरदार जी की भाषा में किसे होने होंगे चार आने असी तो छ आने तो घट नहीं लेंदे बाद भाषा के स्तर पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग दृष्ट उपमाओं का प्रयोग उपमाओं का प्रयोग इसमें वाक्य दिया गया है रेगिस्तान की तरह फैली हुई तन्हाई अनजान सागर तटों की खामोशी और सुनापन अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पाओ घास में बहता हुआ पानी आया था और कपड़े भीग गए थे बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही थी प्रतीकों का प्रयोग उसमें सिर्फ खुमार है और बहुत बेईमानी और पीटी हुई ललकार है जिसे तो न तो नकारा जा सकता और न ही स्वीकार किया जा सकता है विरोधाभास की भाषा <coughs> और यह राजधानी जहां सब अपना है अपने देश का है पर कुछ भी अपना नहीं है अपने देश का नहीं है तमाम सड़कें जिन पर वह जा सकता है लेकिन वह सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती व्यंग्य का प्रयोग किया गया है किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है अगर नहीं होती तो सवाल ही नहीं उठता एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है इसलिए जरूरी है कि इधर उधर देखा जाए खोई हुई दिशा एक वातावरण प्रधान कहानी है इसमें केंद्र में न तो कोई नायक है न खलनायक है न कोई घटना है न कोई उद्देश्य है लेखक ने शहर के बाह्य वातावरण और उससे निर्मित मानसिक तनाव की ही पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया है नई कहानी आंदोलन में कुछ कहानियां वातावरण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिसमें एक खोई हुई दिशाएं भी धन्यवाद